नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी टॉपिक, वो है VLookup से रिलेटेड, कि VLookup की रिजल्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाए VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग से। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, उसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई यूनिक आईडी नहीं है, हमारे पास नेम है और नेम भी हमारा रिपीटेड वे में है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस नेम की पूरी डिटेल्स हम आप यहाँ पे चाहिए। तो जनरली अगर हम वी लुकअप करते हैं तो वी लुकअप क्या करता है कि आपको पहली डेटा को लुकअप करके दे देगा कि हाँ 43 है। लेकिन हम एरे और वी लुकअप लिस्टिंग वाले मेथड लगाएंगे तो उससे मुझे रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो एक सेल में नहीं मिलेगा, वो अलग अलग कॉलम्स में मुझे मिलेंगे। तो कैसे इसको करें, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसके लिए दो तरीके, एक तो हमारा VBA का तरीका भी हम इसे आजमा सकते थे, बट VBA का तरीका जो है वो हमारा 2016 तक चलता था, बट 2016 के बाद हमारे पास 2019 में एक फॉर्मूला आ गया है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, टेक्स्ट ज्वाइन आपका एक पर्टिकुलर एरिया लेता है, जैसे मैंने बोला कि इग्नोर थ्रू और यहाँ पे मैंने ब्लैंक और यहाँ पे हमने एक एरिया को सिलेक्ट कर दिया, तो इस एरिया के जितने भी उसको कॉनकेटनेट कॉमा से कर देगा। लेकिन इस काम के लिए हम पहले क्या करते थे, पहले इसके लिए हम कॉनकेटनेट फॉर्मूला लेते थे, एक एक को सिलेक्ट करते थे, जिस कारण से हमें दिक्कत होती थी और हमें इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन आपके पास ऑफिस 365 और आपके पास एक्सेल 2019 है तो एक मेथड अपना सकते हैं। क्या हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन, और टेक्स्ट ज्वाइन में हमने यहाँ पे बोला कि मुझे कॉमा से सेपरेट करना है, हमें ब्लैंक को इग्नोर करना है और हमने टेक्स्ट दे दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा रेंज नहीं चाहिए, वो रेंज चाहिए जो पूजा की है, तो इसके लिए हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमने बोला कि अगर नाम जो है इक्वल टू पूजा है तो इसकी रेफरेंस को उठा के दे दे, और जो रेफरेंस में नहीं है, पूजा नहीं है, उस पर वो ब्लैंक छोड़ दे। और हमने इफ को क्लोज कर दिया एंड ऑल्सो ज्वाइन को क्लोज कर दिया और हमने एंटर प्रेस करा। आप देखिए आपका रिजल्ट यहाँ कॉमा में आ गया, पहली पूजा हमारी 43 थी तो 43 आ गया, ये दूसरी 69 है तो 69 देखिए कॉमा में आ गया, तीसरी हमारा 87 है तो यहाँ पे आपका 87 आ गया। अब मैं यहाँ पे पूजा की जगह पे अगर नीरज कर दूं तो नीरज का भी डेटा आ जाएगा, लेकिन 2016 तक ये पॉसिबल नहीं था एक्सेल के जरिए में। पॉसिबल तो था लेकिन काफी लंबी था, ऑटोमेटिक नहीं था, डायनेमिक नहीं था, तो उस केस में हम क्या करते थे, तो उस केस में हम VBA इस्तेमाल करते थे। कैसे, तो चलिए हम आपको VBA का भी एग्जांपल बता देते हैं। तो VBA के जरिए हम बनाएंगे फॉर्म, यहां पे फंक्शन, और फंक्शन में देंगे यहां पे मान लीजिए कुछ भी नाम दे देते हैं, लुकअप ऑल, और यहाँ पे n एज ए वेरिएबल इसको आप लुकअप करना चाहते हैं, और यहाँ पे हो जाता है r एज ए रेंज जो आपका रेंज है, और यहाँ पे वैल्यू कॉलम c एज ए इंटीजर जो आपका इंटीजर है। तीन डिफाइन हमने कर दिया क्योंकि फॉर्मूला लगाते हैं, तीन चीज की इनपुट हम करेंगे। यहाँ पे देते हैं dim r एज ए रेंज, यहाँ पे देते हैं कि 4 h आर, दो नाम के एक वेरिएबल नहीं हो सकता तो आर के जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ के, और लिखता हूँ कि इफ नहीं फोर होगा ना, फोर के फोर इच, हाँ फोर इच के इन आर, और फिर यहाँ पे हम देंगे कंडीशन भी तो देना है कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू n dot n, sorry n होगा ना, n हमारा वेरिएंट है ना n, then
अब यहाँ पे एक रिजल्ट के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ रिजल्ट देते हैं डिम पी एज ए स्ट्रिंग, डिम होना चाहिए ना, और यहां लिखते हैं कि पी इक्वल टू के डॉट ऑफसेट रोग सेव होगा कॉलन में सी होगा डॉट वैल्यू, लेकिन हमें तो कंबाइन करने हैं, कई सारे वैल्यू आएंगे तो इसमें हम पी को कंबाइन कर देते हैं कौन तथा नेट से इस तरह से, और फिर यहां पे देते हैं एंड इफ, और यहां पे देते हैं नेक्स्ट के, और फिर लास्ट में बोलते हैं लुकअप ऑल, जो हमारा फॉर्मूला नेम है इज इक्वल टू पी। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इक्वल लुकअप ऑल, इसमें हमने सेलेक्ट किया नीरज, और फिर हम चले गए पूरी अपनी डेटा के ऊपर, यहां इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि कौन होना चाहिए, तो 01 पहली कॉलम होनी चाहिए, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो ये हमारा वी लुकअप या लुकअप मेथड से हुआ था, लेकिन टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला आ जाने से हमें एक बेनिफिट मिला कि हम यहां पे विदाउट इफ हम एरे का परफॉर्म देके हम इस अपना काम कर सकते हैं, मतलब कि लुकअप और वैल्यू आसानी से कर सकते हैं बिना वी लुकअप लगाए हुए। जी हाँ, बिना वी लुकअप लगाए हुए हम इसको आसानी से लुकअप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ आप हमारी पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो हमारी पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इंटरैक्टिव क्लास। पहले हम आपको 2-3 क्लास डेमो देंगे, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें और 2 से 4 दिन की डेमो ज्वाइन करके देखें, अगर डेमो अच्छा लगेगा तो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।